जीत हासिल करने के बाद क्या बोले इंडियन गठबंधन के सपा से उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा और प्रिया सरोज। देखे खबरें आज भी के लिए जौनपुर से मोहम्मद हारून की ये रिपोर्ट। धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, ताकि उन्हीं की वजह से ये जीत हासिल हुई है और साथ में हम आदरणीय इंडिया गठबंधन को जो उत्तर प्रदेश में लीड कर रहे थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ सपने में मिली है क्या है? आपको 1 लाख से ऊपर क्या मिली उस पर क्या कहना? उम्मीद थी इतनी बड़ी जीत थी? बिल्कुल उम्मीद थी, हमको पूरी उम्मीद थी कि हमको यहाँ की सम्मानित जनता इसकी सेवा करने का मौका देंगे और इससे ज्यादा अंतर से देंगे। प्राथमिकताएं क्या प्राथमिकताएं हम पालनपुर बड़ा प्रोजेक्ट क्या करेंगे? जौनपुर की जो भी विकास की बातें होंगी, जो जौनपुर की प्राथमिकताएं होंगी, चाहे वो जौनपुर के मेडिकल कॉलेज का रहा वो मामला, चाहे वो जौनपुर में जाम का मामला सबसे बड़ा है, आप भी इसमें सहमत होंगे शायद, तो सब चीज़ों में हम लोग काम करें। कि सरकार तो प्रदेश में भाजपा की है, कैसे आप इन सब चीज़ों को पूरा जो हम कर सकते हैं गवर्नमेंट से कह करके, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से हम जो कह सकते हैं, जो हमारी बात सुनी जाएगी, तो निश्चित तौर पर हम काम करेंगे। अपनी प्रशासन को लेकर क्या कह रहे हैं? प्रशासन को लेकर प्रशासन में अपनी जीत पर क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जौनपुर की सम्मानित जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, आभार प्रकट कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे सेवा करने का मौका दिया। अब हम लोग चुनाव जीत गए हैं, पूरा एक ध्यान होकर के सबकी सलाह में पूरा करके जौनपुर के विकास के बारे में काम करेंगे और साथ में मैं इंडिया गठबंधन के सभी अलाइंस पार्टियों को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, बीजेपी पार्टी को, जन अधिकार पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जितने भी हमारे खुशी है कि मेरी जनता ने मेरे पर विश्वास किया है और मैं सबसे यंगेस्ट बन के जाऊंगी और सबकी जो उम्मीद है उनसे खड़े होने का काम करूंगी मैं। आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या करेंगे आप? जी देखिए, हमारी सरकार ने कहा 30 लाख वैकेंसीज को खाली भरने का काम करेंगे, जो नौकरी बच्चे जिनको नौकरी नहीं मिला जो पेपर लीक हुआ है उसकी आवाज उठाऊंगी मैं, जो पिंडरा में काशी द्वार के जो किसान धरना दे रहे हैं उसके लिए मैं पॉइंट रखूंगी लोकसभा में, और जो अमूल फैक्ट्री है जो लोकल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा गुजरात से लोग आ रहे हैं काम करने के लिए वो उसकी आवाज उठाऊंगी मैं, और जो ये रेलवे ट्रैक बनाने का यहाँ पे जो फोटो ब्रिज बनाकर काम करेंगे, और मैं ये भी कहूंगी खासकर जो महिलाएं जो हेजिटेशन करके बात रख रहे हैं उनके उनको हमें फ्रंट फुट रख के राजनीति करूंगी। मछली सर की जनता क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही दूंगी कि इस बार संविधान बचाने वाले की जीत हुई है, जो संविधान हरा रहे उनकी हार हुई है इस बार, और जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे 415 आज उनको जवाब मिला बहुत ज्यादा।